इज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक स्ट्रीम, जहाँ पर यूएस ओपन कप लीग का मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा सीटल साउंडर्स वर्सेस फियोनिक्स राइजिंग एफसी के बीच, जो कि होने वाला है 8 बजे। और ये भी जैकपॉट है, पिछला भी जो जैकपॉट था ये भी जैकपॉट है, क्योंकि ये यूएस ओपन कप लीग का बड़ा मैच है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट जुड़ो भाई अगर ओपन टीम आपको दिन की एक चाहिए। और ज़बरदस्त जैकपॉट टीम ही आती है इधर, दिन की एक, सैटरडे को दो, संडे को दो ओपन टीम्स, ठीक है। और इसका चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो सीटल साउंडर्स एंड फिनिक्स राइजिंग टीम यूएसएल चैंपियनशिप में खेलती है। आई थिंक आपने ज़िंदगी में इनका मैच नहीं खेला होगा। अब मेरी दूसरी बात, पीआर का शायद हमारा 4 ईयर्स के करियर में ये पहला मैच है। और सीटल साउंडर्स को तो सब जानते हैं, ये टीम मेन टीम है भाई साहब मेजर लीग सॉकर की। और ये टीम खेलती है यूएसएल चैंपियनशिप में। यूएसएल चैंपियनशिप सबसे छोटी चैंपियनशिप है, कहने को चैंपियनशिप है लेकिन बहुत छोटी टीम है। और दूसरी बात, सीटल साउंडर्स जो टीम है ये ज़बरदस्त टीम है। 2022 में तो ये टॉप थी, 23 में बकवास, 24 में रिकवरी कर रही है, तो देखते हैं क्या करती है। और इस मैच में एसएस जीतने के चांसेस 99% है, 1% सिर्फ उनका और 1% कुछ नहीं होता। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करी, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में रुइडीज़ की हुई वापसी। बेचारा साल में 6 महीने तो भाई इंजर्ड रहता है, इतना दुख था 2022 से 2024 में। मेरे को आई थिंक गिनती के ये 10 मैच में दिखा होगा, उसके अलावा इंजर्ड। और शुक्र है भगवान का कि नाउ ही वॉज फिट। और ये जितनी देर फिट है, जितनी देर ये टीम के लिए खेल रहा है, जितनी देर ये यहाँ पर अवेलेबल है, तब तक ये टीम्स प्रदर्शन अच्छा करेगी। मैं साफ बता रहा हूँ, ये टीम तब तक अच्छा करेगी अगर जब तक ये है। उसके बाद मॉरिस ने टीम का बहुत साथ दिया। यूएस ओपन कप में लास्ट मैच में रुइडीज और मॉरिस को खिलाया नहीं था, उस मैच में इन्होंने मुसोवॉस्की और रॉथरॉक को चांस दिया था। बट मैं चाहता हूँ कि ये दोनों खेलें, अगर नहीं खेलते तो सुबह बदलना पड़ेगा। और ऑपोजिशन टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने लेना है जे कार्लोस को। ऑपोजिशन टीम का गोल रेशियो बहुत कम है, तो इसलिए मैं क्यों रिस्क लूँ भाई कैबरल पे, सीधी सी बात है यार, कोई भी नहीं लेगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, देन रूसनेक के बाद रॉल्डन एक ऑप्शन है, लेकिन रॉल्डन की जगह पर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो किसी निचले प्लेयर को ना लेकर अपनी टीम में जे पोलो को ट्राई कर सकते हो। अगर जे पोलो या फिर रॉल्डन, मैं आई एम गोइंग विद रॉल्डन, क्योंकि मेरा रॉल्डन और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस तगड़ा रहा है इसके साथ। उसके बाद अगर आगे बात करें यहाँ पर ऑपोजिशन टीम की, तो गियोलो के बाद यहाँ पर है जैम्ब्रेनो, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, मैंने आपको बोला। वैसे गिलाडो अच्छा है लेकिन वो अपनी लीग में अच्छा है, इस लीग में कैसा करेगा आई डोंट नो। और बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, तो गोमेस के बाद ड्रैगन के बाद एंटोलो लास्ट मैच में खेला था, बट बंदा ही बड़ा क्या कर गया, मेरा फेवरेट प्लेयर है, रेड कार्ड मिल गया भाई। 3 प्लेयरों को पॉइंट मिल गए, इसको रेड कार्ड में माइनस हो गया, मेरी बैंड बच गई गेम की। तो मेरे को तो डर लग रहा है अब इसको लेने में, क्योंकि अब कैसे ले लूँ। मान तो रेड कार्ड तो अब एक्सपायर्ड हो गया होगा, क्योंकि ये यूएस ओपन का मैच है तो इसमें तो वो अवेलेबल नहीं होगा, वो तो वहाँ पे लागू होगा मेजर लीग में। तो अभी रॉल्डन को ही ले लो, वैसे टोलो पे रिस्क मत ही लो। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है रेकोबॉस्की, ये मेरी पहली टीम है ठीक है, जिसमें मेरा कैप्टन तो रुइडीज ही है और वाइस कैप्टन मेरा मॉरिस ही रहेगा। तो ये तो मेरी पहली टीम है, ये प्राइमरी टीम है, इसके साथ खेलो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और दूसरी जो मेरी टीम है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2 टीम्स के साथ खेलूँगा। दूसरी टीम में टोलो होगा, ये दूसरी टीम है ठीक है, और ये है पहली टीम, दोनों के साथ खेल सकते हो, दोनों अच्छी हैं, एक क्लीन शीट वाली, एक विदाउट क्लीन शीट। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।